इसलिए कर रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार हमको बोलने नहीं दे रही। रूल 267 के तहत हम लगातार 11 दिन से ये मणिपुर का विषय उठा रहे हैं और मणिपुर ये सब्जेक्ट या किसी छोटी मोटी घटना नहीं है, एक घटना है और खास करके हम ये चाहते कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए, अपने विचार रखे। सिर्फ होम मिनिस्टर का सवाल नहीं है और जो चीजें प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, जो सूचनाएं उनको मिलती है, वो सारी सूचना होम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता, उसमें लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर सदन में प्रधानमंत्री आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो इलेक्शन प्रचार में है, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और आज पूना में हैं। और ऐसी कौन सी बड़ी वहाँ पर इवेंट है कि पार्लियामेंट छोड़कर वहाँ पर जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ भी बात करते हैं, कहीं भी जाने दो अपोजिशन पार्टी को टोकते हैं। और जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं, अरे भाई आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे, हम जवाब देंगे, विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, बट ही इज गोइंग आउटसाइड एंड टेलिंग, जस्ट ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑल दीज थिंग्स टू मेक इलेक्शन प्रोपेगेंडा। इलेक्शन स्पीचेस ही इज मेकिंग, ही इज डूइंग, बट ही इज नॉट रेडी टू डू वन स्मॉल स्टेटमेंट इन द हाउस ऑन मणिपुर इश्यू वेयर मोर देन 200 पीपल हैव डाइड, 5,000 पीपल आर इंजर्ड, नियरली 60,000 पीपल आर वेकेटेड देयर हाउसेस, मोर देन मेनी हाउसेस डिस्ट्रॉयड, सब कुछ वहाँ पर हुआ है। ये होते हुए भी वहाँ पर ये मोदी जी आकर बात करना नहीं चाहते और हमको बार बार ये कहते हैं, सरकार के ओर से भी शायद मैं आज चेयरमैन साहब से हम विनंती की, भाई 267 और 176 में बहुत फर्क है, अंतर है। 176 में 2-2.5 घंटे की चर्चा हो सकती है, लेकिन 267 भी चर्चा हो सकती है, हर एक पार्टी के लोग बात कर सकते हैं। और 2.5 घंटे अगर पार्लियामेंट में आप समय तय किए तो एक एक पार्टी, जो मेजर पार्टी है उसको 15 मिनट मिलेगा, बाकी के लोगों को 10 मिनट मिलेगा और जो छोटी पार्टियां एक एक या 2 मिनट मिलेगी। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना, इतने लोग, एक तरफ स्त्रियों का नंगा परेड हो रहा है, मार रहे हैं, दुकान जल रहे हैं, मोटर कार घर जल रहे हैं, ये सब कौन करा रहा है? और वो कहते हैं कि अपने होम मिनिस्टर 3 दिन वहाँ थे। अरे भाई 3 दिन वहाँ अगर थे मणिपुर में, फिर ये समस्या को सुलझाया क्यों नहीं, अभी बढ़ रहा है क्यों? ये हमारा
उनको पूछना है और उसका उत्तर क्या मिलता हमको वो भी देखना है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा मीडिया में ये कन्फ्यूजन कर रहे कि वो तो चर्चा के लिए तैयार है लेकिन अपोजिशन पार्टी तैयार नहीं है। अरे अपोजिशन पार्टी तो तैयार है, इसलिए 11 दिन से हम सतत कोशिश कर रहे हैं। पहली बार 65 लोग MPs 267 पे नोटिस दिए, इससे बढ़ के क्या होना है। इतिहास में इतना बड़े संख्या में जो नोटिस दिए हैं मैं समझता हूँ ये पहली बार है। इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट वरीड, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, बुलडोजर लगा रहे हैं और हमेशा यही बात करते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है लेकिन इसको पीछे ढकलने वाले वही लोग हैं। तो इसीलिए आज हम जो चीज़ें वहाँ पर रखना चाहते थे तो चंद चीज़ें रख नहीं पाए और वो हमेशा ये कहते 267 कभी भी चर्चा में नहीं आया सदन में। वो चेयरमैन साहब को भी वही बताया गया उन्होंने, लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं। 267 में 7 occasions उन्होंने इस सदन में क्वेश्चन आवर बाकी के सभी बिजनेस स्टॉप करके 7 बार समय दिया गया है। उसी तरह क्वेश्चन आवर स्टॉप करके 10 occasion पे उन्होंने इस पे चर्चा ऐसे विषय पे 267 पे चर्चा करने के लिए और उस वक्त के भी बहुत है। ये दो आने के बाद डेमोक्रेसी में इनका कम विश्वास है और बात करने में इनका ज्यादा विश्वास है। एक नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक समय आया था, उसमें उन्होंने खासकर वेंकैया नायडू ने एक क्वेश्चन पूछा।